हम अपने जीवन की डोली को तो बहुत सहज और सुगमता से आनंद से सजाते हैं, लेकिन अर्थी की बात जब उठती है तो उस वक्त हम दुखी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि इसे न सजा। वीरेंद्र भैया से कोई सीख सकता है कि डोली तो डोली, अर्थी को भी कैसे सजाया जा सकता है। जीवन के हर मुकाम को, हर पड़ाव को उत्साह और उमंग के साथ कैसे स्वीकार किया जा सकता है, वही है उनकी कला जो हमें सीखने की जरूरत है। परम पिता पिया के पास जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ
मैं जा रही हूं तो क्या मैं नहीं सोच सकती कि तूने भी मेरा रास्ता काट लिया है। तू इस धरती के पिया के पास जा रही है, मैं सबके पिया के पास जा रही हूं, तो मैंने तो नहीं सोचा कि तूने मेरा रास्ता काट लिया। तूने कैसे सोच लिया? लाल रंग से भरती है इस सृष्टि की मांग को सूरज की उस लालिमा भर देती है तो ये पूरी सृष्टि रंगीन हो जाती है, लाल रंग से रंग जाती है। उस वक्त भी जब सूर्य उदय हो रहा है उस वक्त भी सूर्य अस्त हो रहा है, तो जीवन का एक समय उदय है उस वक्त भी मांग भरी हुई है लाल रंग से, और एक समय जब अस्त है तब भी मांग भरी हुई लाल रंग से। वो कहती है कि हरी चूड़िया तेरे हाथ में है, हरी प्रतीक है हरियाली की, तू भी कहीं जा रही है। एक दुल्हन जब कहीं जाती है, दुल्हन कहीं जाती है किसी घर में, तो हरियाली लाने जाती है, हरे भरे उस बंजर से घर को हरियाली लाने के लिए दुल्हन को बुलाया जाता है। और एक समय जब शरीर छोड़कर आगे की तरफ जाते हैं, यानी जीवन की समाप्ति जब हो जाती है, तो जीवन की समाप्ति के साथ होता क्या है? जैसे फसल की समाप्ति जब हो जाती है तो फसल तो कट जाता है लेकिन बीज बच जाते हैं, और बीज कब बचे, किसके लिए बचे? आगे की हरियाली के लिए वो बीज बचे हैं। एक पौधा कटता है 100 बीज छोड़ के जाता है ताकि आगे हरियाली बनी रह जाए। यानी दोनों तरफ तो हरियाली है, तू भी हरियाली की तरफ जा रही, मैं भी हरियाली की तरफ जा रही हूँ, तो तू कैसे सुख हो गई, मैं कैसे असुख, मैं कैसे, ये सवाल पूछती है वो बार। जाती है तो उसके पिया उसके देखकर हंसते हैं,
क्योंकि मेरी दुल्हन आ रही है, लेकिन अर्थी कहती है कि मेरे पिया मुझे देखकर रो रहे हैं। ये कौन रो रहा है? वो पिया जो परम पिता परमेश्वर है, जो भगवान है, वो रोता इसलिए है क्योंकि वो कहता है तुझे आना तो मेरे ही पास था, लेकिन इस जगत में तुम जाकर मुझे भूल गए थे और इस कदर भूल गए कि तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई है। अब तुम जब लौट कर मेरे पास आ रहे हो तो वो खुशी के आंसू बहा रहे हैं कि मुझसे मेरा बिछड़ा हुआ, मेरा ही संतान मुझसे अलग हो गया था, आज वो पुनः मेरे पास आ रहा है। इसलिए खुशी खुशी के आंसू वो पिया जो ईश्वर है वो बहा रहा है, वो रो रहा है। के लिए पलंग बना ले, चाहे पालने बना ले, सब में तो लकड़ी यानी पूरी की पूरी जीवन की जो प्रक्रिया है वो लकड़ी के साथ उसका संबंध है। यानी तू लकड़ी के ऊपर चल रही है, तू लकड़ी में जा रही है, यानी कि तू लकड़ी यानी जीवन जो बाहर का जीवन साकार जीवन है उसमें तू मिलने जा रही हो, और मैं उस साकार जीवन को छोड़कर निराकार में मिलती हूं ताकि फिर से नए सृष्टि का निर्माण कर सकूं। मैं पुनः एक नई सृष्टि के निर्माण के लिए मैं जा रही हूँ और तुम सृष्टि को अब भोग करने जा रही हो। मैंने भोग कर लिया, अब मैं दूसरे सृष्टि को जन्म देने के लिए जा रही हूँ। वो कहती है कि तूने मुझे अशुभ कहा, तूने कहा कि मैंने तेरा रास्ता काट दिया, तू अशुभ है। अरे तू तो बता दे। अर्थी पूछती है डोली से, तू जरा ये तो बता दे कि तू कैसे शुभ हो गई, मैं कैसे अशुभ हो गई। तुझे जिस घर को तू छोड़कर आ रही है, जिस घर को तू छोड़कर आ रही है उनको भी तुम रुला के आ रही हो, और जिस घर को मैं छोड़कर आ रही हूँ वो भी मेरे पीछे रो रहे हैं। तो तू ही तो रुला कर छोड़ के आ रही हो, मैं भी रुला कर आ रही हूँ, और तेरे पिया भी खुश हो रहे हैं और मेरे वो पिया भी खुश हो रहे हैं मुझे देख कर। तो बता मैं कैसे अशुभ हो गई और तू कैसे शुभ हो गई, कैसे? शुभ है और न ही टोली शुभ है,
और न अर्थ ही अशुभ है न टोली अशुभ है। ये शुभ और अशुभ बताने वाले कौन है? जीवन के लोग।